ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर रविदास मंदिर में सीएम योगी पहुंचे। आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है अभिषेक? देखिए अर्पिता, यहाँ से मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए जाना है, लगभग यहाँ पर आधा घंटा उनकी मौजूदगी रहेगी, उसके बाद में वो सीधे प्रचार के लिए निकल जाएंगे। ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में चूंकि प्रचार चल रहा है, प्रधानमंत्री भी आज सीतापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ उनकी जनसभा है। इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में है और खुद मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम लगे हैं। शुरुआत उन्होंने दिन की यहीं से की है, संत रविदास मंदिर में यहाँ मत्था टेक करके, कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश है। और देखिए गुरु रविदास जयंती को लेकर की ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी ऐसी तस्वीरें थी जब प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद थी, अखिलेश यादव भी आए थे, और इस बार के चुनाव में ताल ठोक रहे अब चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पे चूंकि प्रत्याशी के तौर पर कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं, तो वो भी उनकी मौजूदगी हो सकती है। लेकिन सियासी मायने के साथ साथ रविदास जयंती के मौके पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी सीधे तौर पे बता रही है कि दलितों और खासतौर पर सिख समुदाय को जोड़ते हुए इस बार की राजनीति में पंजाब जितना जरूरी पंजाब के लिए है, उतना ही वर्चस्व उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। मायावती का दलित वोट बैंक का धीरे धीरे चटकना और वहीं बीजेपी के साथ में दलित और पिछड़ा का जुड़ना पिछले चुनाव में इस बात का गवाह है। मुख्यमंत्री इस मौके पर हालांकि सियासी तौर पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी यहाँ पर अपने आप में बताती है कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में और खासतौर पर रविदास मंत्री जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही, योगी आदित्यनाथ ने ही, चन्नी भी, आगे तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो आज के मौके पर अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, आपने आगे कार्यक्रम भी बताया उनका क्या रहने वाला है, आगे क्या शेड्यूल और राजनेताओं का है, क्योंकि आज ज्यादातर राजनेता रविदास मंदिर पहुंचेंगे उनकी जयंती पर। देखिए बिल्कुल, रविदास जयंती का मौका है और यहाँ मंदिर की तरफ से जो न्योता भेजा गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को भी न्योता भेजा गया, हालांकि उनके आने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का आना सबसे पहले रविदास जयंती के मौके पर इस मंदिर में मत्था टेकना, उसके पहले चंद्रदीप सिंह चन्नी आए थे, सुबह तड़के 4 बजे ही वो इस मंदिर में मौजूद थे, यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ठीक सीधे प्रचार के लिए निकल गए। मंदिर में आज भीड़ जो है वो गवाह इस बात की है कि श्रद्धालुओं का जो तांता यहाँ लगता है, क्योंकि ये जो जन्मस्थली है यहाँ सीर गोवर्धनपुर में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पंजाब से सबसे ज्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो उन श्रद्धालुओं और उस समाज के लोगों का जो जुड़ाव है और जो कहीं ना कहीं संत रविदास के प्रति आस्था है उसकी तस्वीर है ये कि आज जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। यही कारण है कि सियासी तौर पर अगर देखें, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते हैं और इसके साथ ही साथ आप कांग्रेस के दोनों जो नेता है, आप चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, उन दोनों की मौजूदगी भी इस बात को सीधे तौर पर बताती है कि यूपी के चुनाव और पंजाब, क्योंकि पंजाब की लड़ाई अर्पिता बहुत दिलचस्प हो चुकी है। 32% वहां पर तादाद है दलितों की, 117 विधानसभा सीटों में 34 सीटें सुरक्षित है। उस तरीके से भी समझा जा सकता है कि पंजाब की लड़ाई में कांग्रेस के लिए इसके क्या मायने हैं। तो वहीं यूपी की अगर मैं बात करूं तो 84 सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में, तो उस कॉम्बिनेशन में भी कहीं ना कहीं अब ये आज का दिन जो है वो सियासी संदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मायावती लगातार दलितों की नेता के तौर पे नुमाइंदगी करती रही है, लेकिन बीजेपी ने 2014, 17 और 19 में जो इस वोट बैंक को साधने का काम किया था और अपनी योजनाओं से और तमाम तरह के कार्यक्रमों के जरिए जो जुड़ाव दिखा था उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को खास फायदा पहुंचाया। और आज की जो तस्वीर है जहां खुद मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी है, वो यहां बैठे हैं, मत्था टेक रहे हैं, गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं और सीधे तौर पर एक संदेश है दलित समाज के साथ बीजेपी खड़ी है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहां पर उस बात को सीधे तौर पर दिखा रही है, जिसके लिए बाकी दल के नेता भी तीर गोवर्धनपुर में आज मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से आज का दिन महत्वपूर्ण है, ये दो तस्वीरों से आज सामने आ सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, सुबह सुबह पहुंचते हैं रविदास मंदिर में, पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए और एक अलग अंदाज लोगों के बीच बैठकर कीर्तन करते नजर आए। वहीं हम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख रहे हैं, वो बनारस में है इस वक्त, वहां रविदास मंदिर में है पूजा अर्चना करते हुए, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभिषेक, ये दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इसी के साथ साथ चन्नी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो भी रविदास जयंती पर मंदिर में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार
जो दलित कार्ड या राजनीति एक तरीके से कह सकते हैं जो चला जा रहा है, किसको कितना फायदा होता है, क्योंकि चुनावी मौसम में हर चीज को सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर ही देखा जाता है। और ऐसे में ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति दर्ज हुई, रविदास मंदिर में वो पहुंचे, लोगों के बीच कीर्तन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, वहीं वाराणसी में रविदास मंदिर में पहुंचे हैं सीएम योगी, और सीधा संदेश बीजेपी की तरफ से ये कि वो दलितों के साथ है। और यही संदेश देने के लिए हर पार्टियां इस वक्त लगी है, चाहे वो चन्नी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो।